टूर चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से देखेंगे कि आज जो लैब टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ है, बिहार सरकार के द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई थी, कुल सीटीज में 222 सीट था, उस पर चर्चा करेंगे कि इसका कट ऑफ क्या रह सकता है और रिजल्ट कब तक आएगा, इस पर विचार करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए देखिए, कुल जो सीट था वो 222 सीट था। कट ऑफ के बारे में देखेंगे, आज बिहार सरकार के द्वारा जो स्वास्थ्य विभाग का वैकेंसी निकाला गया था, आज ही के दिन में एग्जाम हुआ है, यानी कि 24/10/2021 को एग्जाम हुआ है, इस पर देखेंगे। देखिए, जनरल का कट ऑफ जो रहने की संभावना है 74 से लेकर 78 तक रह सकता है, एक आध अंक इधर उधर हो सकता है। कहां से? 74 से लेकर 78 के बीच में रह सकता है। ईडब्ल्यूएस में आइएगा तो 70 से लेकर 73 के बीच में रह सकता है, एक अंक इधर या उधर हो सकता है। बीसी में जाइएगा तो बीसी का 69 से लेकर 71 के बीच में आ सकता है। उसके बाद ईबीसी में आइएगा तो 65 से लेकर 68 तक, कितना? 65 से लेकर 68 रहने की संभावना है। एसटी में आइएगा तो 62 से लेकर 66 के बीच में हो सकता है कट ऑफ। एससी में आइएगा आप तो 60 से लेकर 64 के बीच में कट ऑफ रह सकता है। आगे 1 से 2 दिन में यदि आपका जितना भी नंबर आ रहा है, जितना भी सही है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। फिर मैं आपसे बता दूं कि ये कब तक रिजल्ट घोषित करेगा, इस पर अगला वीडियो में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत